because it is a lot of time wastage. I'm sorry. मुझे तो खुद से ज्यादा तुम पर अफसोस हो रहा है कल्याणी. तुम्हें तो दोस्तों को भी दुश्मन बनाना आता है. I didn't mean to hurt you, DK. इतनी rigidity. काफी अंधेरा दिखाई दे रहा मुझे तुम्हारे भविष्य में. इतने कट्टर असूल लेकर तुम जानती हो 4-5 साल के बाद तुम कहां होगी. किसी कस्बे में काम कर रही होगी तुम, और वो भी अपने जूनियर्स के नीचे. अब तुम कुछ ज्यादा कह रहे हो. इस सब पे उतर आने की क्या जरूरत है. और जिन्हें तुम अपना दोस्त मानती हो, लेट मी एनलाइटन यू, वो जनाब भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है. जी हाँ, उनकी भी पोस्टिंग इस समय बहुत नाजुक हालत में. चार्ज है उन पर कि अपने ही देहात की बेहतरी के लिए होने वाले डेवलपमेंट कार्य को रोकने का. नो नो, आई डोंट बिलीव दिस. यस, आजकल वो दिल्ली में है, तुम्हें मालूम है. दिल्ली के कॉरिडोर में एड़ियां घिस रहे हैं वो यहाँ की नाक को वहां से हाँ में बदलवाने के लिए. स्टॉप इट. हेलो, परमार जैन. परमार, हम एक रेड कंडक्ट करने जा रहे हैं यहाँ सिटी में, जिसके लिए तुम, शेख, पांडे मेरे दफ्तर में कब चले आओगे. प्लान है. अरे भाई सुनो, ये बरेली का रास्ता कहाँ पड़ता. बरेली का? हाँ अब भैया, इस शहर का कोई रास्ता पूछा होता तो हम बता देते. दूसरे शहर का रास्ता, हाईवे पे जाओ. क्या हुआ गुरु? ये सब गलती नत्थू की. बोला शहर जाके खाना खाएंगे, अब इतनी रात गए हाईवे का रास्ता कहाँ से ढूंढे. पर अरे ढूंढवा रास्ता. अरे तो गुरु यही रात काट लेते हैं ना, सुबह होते होते निकल ले गए. ये कोई जगह है? ये भी कोई जगह? हाँ, ये जगह ठीक नहीं है. क्यों, क्या होता है इस जगह पर? ऐसी बात है, जगह ठीक है, तब जगह में क्या खराबी. तो फिर ठीक है, हम लोग यहीं पर रहते हैं. ये ट्रक जो है ना, अपना अगले गेट पर खड़ा कर दूं. क्यों, इस जगह में कुछ खराबी है क्या? ये जगह में खराबी नहीं है, ये ट्रक जरा आप अपना उधर खड़ा कर दो अगले गेट. हाँ तो फिर ठीक है, मैं अंदर सोऊंगा और ये बाहर ट्रक चमकाते रहेगा. है पहले धोना अब फिर सोना, सुना. अरे सर आप तो एक्टिंग कीजिए ना, तो सच में मारे जा रहे हैं. अब तो वो देख भी नहीं रहा है. पर तुम देखते रहना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ खड़ा कर रहा हूँ. ठीक है सर. निकाल ले अपनी चादर. गेट के आगे नहीं. क्यों भैया? चलो उठो उठो, बोला ना गेट के आगे नहीं. अच्छा भैया चलो, इधर नहीं तो उधर सो जाता हूँ. साहब हमारे लोगों ने पोजीशन ले ली है, प्लेन क्लोथ वालों ने बाहर और पुलिस वालों ने ट्रक के अंदर. अब साहब, अब लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं हम यहाँ उन्हें किस लिए लाए हैं. रिपोर्ट सिग्नल. सर कैरी ऑन. आप लोगों को जिस काम के लिए आज लाया गया है उसके बारे में ध्यान से सुनिए. जी सर. आपके सामने ये जो ऊंची दीवार वाला पनाहगढ़ दिख रहा है, उस पर आप लोग नजर रखिए. खबर मिली है कि यहाँ की लड़कियों को, जो कि यहाँ की शरणार्थी है, जबरदस्ती बाहर सप्लाई किया जाता है. आज इन लोगों को हमें रंगे हाथों पकड़ना है. ऐसा करो अजीज, अब तुम पोजीशन पे आ जाओ. जैसे ही गाड़ी स्लो होगी ना तो गाड़ी स्टार्ट कर लेना. साहब गाड़ी तो आती दिखाई दे रही है. हाँ मैडम गाड़ी आ रही है.
चलेगी। पीछे से गाड़ी आ रही है मैडम। गाड़ी स्टार्ट कर लो। गाड़ी स्लो हो रही है। परमार तुम रेडी हो? गाड़ी रुक गई है। अच्छा ठीक है सर, हम लोग रेडी हैं सर। शेख गाड़ी स्टार्ट करो, क्या कर रहे हो? अरे आओ 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 आओ, धक्का धक्का, न्यूट्रल। बसंत है, चार को बढ़ा दीजिए, एक रहने दीजिए। इधर 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 नहीं नहीं, निकालिएगा नहीं। अविनाश ये जी बैठाइए इनको, इनके साथ चलो। अरे मैं हूँ, चलो कौन है इस समय यहाँ ड्यूटी पर? कौन है तुम लोग? कौन है इस समय यहाँ ड्यूटी पर? चौकीदार चौकीदार, हम लोग पुलिस वाले हैं। कौन है यहाँ ड्यूटी? तुम लोग जाओ, तब तक मैं देखूँ कौन है यहाँ इस समय। अच्छा हुआ भैया तुम लोग आ गए। जी सर, क्या बात है? अभी या हाँ चलो, रुको रुको मैं दिखाती, रुको मैं दिखा। ड्यूटी पर इस समय कौन सुबह रहना है? अभी ट्रेन अभी अभी गई है अपना पूरा। चलो चलो रुको 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 मैं देख, रुको हटो। साहब साहब आप अंदर मुझे आइए, हम लोग जाते हैं। अरे ये जगह भाई, चलो अंदर कैसे जाना? चलो फेर जगह आप लोग यहाँ रहती हैं? आप लोग इसी सुरक्षा गृह की रहने वाली हो? यहाँ कोई घंटी होगी सब लड़कियों को उठाने के लिए? जब सब लड़कियां बाहर आ जाएं, तब इन सुपरिटेंडेंट महाशय को सबके सामने पकड़कर ले जाइएगा, ताकि वो लड़कियां इनके खिलाफ बयान देने का साहस तो कर सकें। आइए आपके बयान से शुरू करें। सर आज के पेपर में तो उसकी चर्चा भी है। अच्छा हाँ, और आपका नाम भी आया हुआ है। ओ, कौन से पेपर में? हमारे घर जो आता है उसमें तो नहीं आया। सर आज के पेपर ले दौड़ दे, पेज नंबर 2 पे विस्तारपूर्ण ढंग से दिया गया है कि आपने फोर्स को कैसे लीड किया, कैसे डेरा बिछाया, और फिर रंगे हाथों वहाँ के चौकीदार और आया को किस तरह पकड़ा। अच्छा चौकीदार और आया, आगे? बस यही सर, वो चौकीदार और आया क्या लॉकअप में बंद है? हाँ वो तो एरिया पुलिस को दे दिया ना केस। अच्छा तुमने खबर पूरी नहीं पढ़ी त्रिभुवन? मैंने तो पूरी खबर पढ़ी। तो मुझे पूरी नहीं सुना रहे? जी मैंने तो पूरी खबर सुनाई। तो इसमें सुपरिटेंडेंट और मेट्रिन के बारे में नहीं लिखा? नहीं साहब, चौकीदार और आया बस यही। ये देखिए Thank you.
तो तुमने बोगस कस्टमर्स को भेजकर पकड़ने वाला वेल टेस्टेड तरीका क्यों नहीं अपनाया? सर क्योंकि उनका क्लाइंटेल एक्सक्लूसिव है सर। आपकी इस डेट से इन प्रेक्षण घरों का नाम बदनाम होता है, क्या आप ये नहीं मानती कि इन घरों का होना जरूरी है? सर निहायत ही जरूरी है सर। सर इसीलिए जब मुझे पता चला इस पर्टिकुलर ग्रह में शोषण हो रहा है तो मैंने उसे रोकना उचित समझा, क्योंकि सर मैं मानती हूँ ऐसी संस्था का होना जरूरतमंद के लिए एक आखिरी उम्मीद होता है। पता नहीं मैं समझ नहीं पा रहा कैसे एक लूज मॉरल यानी एक गिरवी औरत की कंप्लेंट पर आपने एक कार्रवाई शुरू कर दी। तो क्या सर इसके लूज मॉरल्स हैं, गिरी हुई है ये कहकर उल्टा उसका मजाक शुरू कर देती जैसा अक्सर करते हैं सब सर? वैसे सर क्या ये अच्छी बात नहीं थी कि हमने वहां हो रही नाजायज कार्रवाई को रुकवा दिया सर? ओ यस। तो बैठिए ना, खड़े क्यों? थैंक यू सर। सर अब तो सब ठीक हो गया देन? सर मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि इस केस के मेन अक्यूज सुपरिटेंडेंट और मेट्रन को छोड़ा ना जाए सर। सर क्योंकि भाई तुम्हें किसने कह दिया कि ये अच्छा चीज़? सर मैं चलता हूँ। अच्छा मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ हाँ होम मिनिस्ट्री के साथ। ओ तो आप सीधा वही जा रहे हैं? अरे भाई गाड़ी मंगवाओ जल्दी। आइए सर आइए। अरे भाई गाड़ी बुलाओ जल्दी। हजूर मैं सक्सेना सर। सर अरे गाड़ी बुलाओ ना जल्दी। आई सर आई आई थोड़ा देर हो जाएगी। हाँ सर। अरे मैडम नमस्कार जी। मैं सक्सेना, आप मुझे नहीं जानती पर ये सारा ऑफिस मुझको जानता है, ये मेरा कार्ड है मैडम। तो सक्सेना क्या बात है सर, वो काम एक मिनट। तो मैडम ठीक है? सर मेरी इंक्वायरी इंक्वायरी रिक्वेस्ट सर वो सर अमीमाबाद के होम कहिए कहिए सर वो अमीमाबाद के होम में जो मेन अक्यूज सुपरिटेंडेंट और मेट्रन के नाम मिसिंग वो मिसप्रिंट हो गया होगा। नहीं सर वो कुर्सी आता कुर्सी आता भाई इन प्रेस वालों की बात पे तुम क्यों जाती हो? कुछ भी कह देते हैं। सर ये इंफॉर्मेशन पुलिस के द्वारा ही दी गई थी सर, मैंने पता किया है पुलिस की प्रेस रिलीज में ही ये नाम मिसिंग है सर। Is it? Are you sure? मैं पता करवाता हूँ। Please sir, sir यही मेरी request थी क्योंकि sir अगर हम main accused superintendent और matron को छोड़ देंगे तो ये बहुत गलत होगा sir, क्योंकि sir चौकीदार और आया तो सिर्फ उनके कहने पर ये सब कर रहे थे और sir investigating team के लिए भी ये बहुत demoralizing होगा अगर हम असली culprits को छोड़ देंगे। Okay, you don't worry for all these things. I will look into this. Pass now. Thank you, sir. Thank you. Sir, मैं चलूँ। मैं भाई तो चाय अभी तक नहीं आया। सर ऑर्डरली गया हुआ है सर, हम भेज रहे हैं सर। भेजो जल्दी। सर मैं गया था बिन बताए। सर वो मटन लाने गया सर, सर वो मेम साहब ने रात की पार्टी के लिए मंगवाया है सर। ओ भाई मेम साहब का हुक्म कौन टाल सकता है, साहब की साहब सबसे बड़ी साहब। सर मे आई टेक योर लीव? एक मिनट आपसे जरा बात कर सकता हूँ? जी बोलिए। आप यहीं कहीं बैठ के आसपास? मैं जरा जल्दी में हूँ। आप ही के मतलब की बात है मैडम, चाय का नहीं पूछोगी क्या? अच्छा चलो जाने दो, नहीं तो वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले सिपाही आके मेरे सर पे खड़े हो जाएंगे। काम की बात करते ये बताओ कि बचीन और अम्मा से तुम्हारा कोई पर्सनल झगड़ा हो गया है क्या? आपका मतलब सुपरिटेंडेंट और मेट्रन? हाँ। अगर किसी को दूसरों का शोषण करते देखेंगे तो क्या आप उसमें? नहीं ये बात मेरी समझ में नहीं आने की, मोटी बुद्धि का हो ना। शॉर्ट में ये है कि झगड़ा है, तो अगर तुम अक्लमंद हो तो समझोगी कि बचीन ने सारी कमिटी को फिट करके रखा, तभी उसका नंबर दो का धंधा इतने सालों से चल रहा है। पर तुम फिकर मत करो,
अगर उसके पास 8 VIP हैं, तो उससे स्ट्रॉन्ग 5 मैं तुम्हारी बैकिंग में खड़ा कर दूं। बोलो, कर दूं? आपका इंटरेस्ट इसमें? इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही आपके लिए फील कर बैठा। बाकी जो लेना देना होगा वो तो बाद में देख लेंगे। क्या है मैडम, तुम भी यही हो और मैं भी 30 साल से इसी प्रोफेशन में हूँ। अच्छा अच्छा, 30 साल से इस लाइन में है? हाँ, लाइजन ऑफिसर हूँ। टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और ऑफिसर्स का काम करवा के दिया है। अच्छा, तो बताए ना क्या इंटरेस्ट होगा आपका? नहीं नहीं मैडम, मैं तो फील किया है। नहीं, मुझे पता चल जाता मुझे पूरा होगा, मैं अफोर्ड कर पाऊंगी या नहीं। तो ज्यादा नहीं मैडम, जो टोटल लेना देना होगा उसका 10%। मैं नहीं, मेरा फ्रेंड जो करवा के देगा। मैं तो वैसे ही फील। 10% तो ज्यादा है। तो मैडम 8.5% फाइनल। मैडम तुम तो प्रैक्टिकल निकली, हमारे लाइन के दूसरे लोग तो तुम्हें सर फ्री मानते हैं। बुरा मत मानना, दूसरे लोग कहते हैं, पर प्रैक्टिकल एटीट्यूड है, बहुत जरूरी है। अच्छा मैडम, मैं निकलूंगा, कुछ और इंक्वायरी हो तो बताइए। 30 साल से, यानी आजादी के 10 साल बाद से, तब से ये लाइन शुरू हो गई? गुड आफ्टरनून सर। आपके लिए तो मैंने एक गाड़ी भेजी थी, उसमें आप आपके आदमी ने मुझे ऑफर किया था रास्ते से पिक करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा उसे उल्टा आना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद चली आई सीतापुर। आप खुद आ गए? जी। आप खुद आ गए? जी। अच्छा आप यहाँ क्यों खड़ी? अंदर आइए। आइए। कहाँ बैठेंगे आप? नहीं मैं बैठ जाऊंगी, आप अपना काम खत्म कर लीजिए। हाँ बैठ बैठ बैठिए आप, बैठिए। सर एक्सक्यूज मी, आई जस्ट सर प्लीज। हाँ भाई शंकर दयाल, हाँ भाई वो फाइल तैयार हो गए हैं क्या? हैं? हाँ भाई हो गए तो भेज दीजिए। ओके तो हाय तिवारी जी, देखिए क्या है कि आपके ब्लॉक के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो मैं फंड सैंक्शन नहीं करूँगा। तो मैं वहाँ दौरे पर आ ही रहा हूँ, तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वो रिसिपिएंट्स जेन्युइन हैं कि नहीं। ओके। हाँ देखो राम सिंह, आप चाय पियेंगे या कॉफी? चाय या कॉफी? नहीं मेरे लिए कष्ट मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। शो शो हाँ नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। वैसे भी मैं आपके और आपके काम के बीच नहीं आना चाहूंगी सर, कोट अनकोट। तो वो तिवारी जी, देखिए आप सब अपने ब्लॉक के लोगों को स्कूल में इकट्ठे कर लीजिए, 4 बजे तक मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ भैया जी, मिस सिंह,
ये कोट अनकोट वाला जुमला, आई होप इसके लिए आप सिर्फ मुझे ही दोष नहीं दे रही हैं। उस दिन वैसे आपने काफी परेशान किया, मुझे काफी हैरेस किया है, और आज शायद इसलिए आप यहां चली आई हैं खुद मेकअप करने। आपका सीतापुर में कम्युनिटी मीट अटेंड करने का न्योता तो था ही मेरे पास, साथ में मैं आई कम इन सर। हाय, आप कौन सी फाइल डिस्कस करना चाह रहे हैं? हाँ तो मिस सिंह साथ में, साथ में मुझे भी आपसे दो बातें करनी थी। आपको भी मुझसे दो बातें करनी? जी हाँ, पूछनी थी, जिसके लिए मुझे लगा यहाँ चले आना ही बेहतर है। आप एक काम कीजिए, आप एक क्लियर नोट छोड़ जाइए, ये फाइल यहीं छोड़ जाइए, मैं खुद पढ़ लूंगा। मिस सिंह, आप क्या कह रही थी? मुझे ऐसा लगा मैंने कोई गलत सुना। जी नहीं, आपने गलत नहीं सुना। उस दिन आप तो वो दो बातें करने से चूक गए थे जो आपके मन में थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपका दिन बर्बाद कर दिया था दूसरे कामों में उलझकर। पर मैं नहीं चूकूंगी। वैसे आप फ्री हैं? क्योंकि अगर आप बिजी हैं तो मैं इंतजार कर सकती हूँ बिना हैरेस्ट या परेशान महसूस किए, कोट अनकोट। लगता है आप काफी असला बारूद लेकर आई हैं। जिसे झेलने को आप तैयार हैं, या पहले अपना कोई कवच पहनना चाहेंगे? फार अवे, आप सामने बैठेंगे? जी नहीं, कहते हैं दूरी ऑब्जेक्टिविटी देती है, यहीं से ट्राई करूंगी। बताएं, आप दिल्ली क्यों गए थे? जवाब दें, आप दिल्ली क्यों गए थे? मैं दिल्ली क्यों गया था? आप क्यों जाना चाह रही? मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है जानने की। आपको जानने की जरूरत है, इसका मतलब क्या हुआ? सवाल पहले मैंने पूछा था, वो भी आपका समय लेकर। दूसरी बात, क्या ये सच है कि आपने अपने एरिया के डेवलपमेंट काम में बाधा डाली? बताएं, क्या आप मेरी बातों का जवाब सीधे सीधे दे भी पाएंगे? दे पाऊंगा। मुझे मालूम था कि आप यहां सीतापुर, मेरे घर, मेरे दफ्तर मुझसे मिलने नहीं आई हैं। आप यहां आए हैं कोई जिरह लेकर, कोई इन्वेस्टिगेशन करने। मुझे और भी कुछ बातें आपसे करनी थी, लेकिन आप यहां मेरे घर मेहमान के तौर से आए हैं, इसलिए मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप ये जिरह रास्ते में भी कर सकते थे, आप यहां इतनी दूर क्यों चली आई हैं? तो साफ साफ लफ्ज में बताइए, आपके चेहरे पर जो लिखा है वो पढ़ नहीं पाता मैं। क्योंकि रास्ते में आपका ड्राइवर, आपका पीए इत्यादि भी साथ होते, और मीट में दूसरा मजमा। तो आपको भी मुझसे अकेले में कुछ बातें करने की तलाश थी, लेकिन आपको बातें नहीं, आपको जिरह करनी थी। आप जैसी नीरस और रूखे इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? देखो शंकर दयाल, आप और ड्राइवर कल की डाक लेके कल हमें टूर पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? और ये टूर के पूरे चार दिन मेरे बताए हुए अलग अलग रेस्ट हाउसेस पे जहां हम रुकेंगे वहां डिलीवर करते जाइएगा। सामान रख दिया।
सिंह आपकी गाड़ी यहीं छोड़ दें तो कोई तरस? नहीं, मैं गाड़ी में नहीं आई। तो कैसे आई? बस। बस? आप तो यहाँ ऑफिशियली आई। वो पेट्रोल जाया होता था और बस सीधी आ ही रही थी तो। मैंने अभी तक आपको आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं कि मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, पर इसलिए कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। वो इमारत देख रहे हैं? वो सामने इमारत जो बनने से पहले खंडर हो गई, उसके अगले गांव में बिल्कुल ऐसी हालत में एक और इमारत है। आइए आपको दिखाता हूं। क्यों है ऐसी स्थिति में ये सब बिल्डिंग्स? ये सब वो बिल्डिंग्स हैं जो वेलफेयर एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट फंड्स में से बन रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि सबको सिर्फ खरीदारी तक, परचेस स्टेज तक में रुचि थी। किस कर सकती है? क्यों? क्यों? क्योंकि परचेस स्टेज तक ही, खरीदारी के स्टेज तक ही सब लोग गवर्नमेंट के फंड्स को इधर